नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे यहाँ बनने जा रहा है सिंघाड़ा की सब्जी। सिंघाड़ा की सब्जी कैसे बनाते हैं ये चीज़ आपको देखना है। सिंघाड़े के पकौड़ा बना ले तू। हाँ तो बस पकौड़ा बनाओ, सब चाहे जो चीज बनाओ, तेल मसाला का सामान है। हमारे यहाँ आज शाम को बनने जा रही है सिंघाड़ा की सब्जी। देखो, सिंघाड़ा पहले काट लिए गए, छोटा छोटा सिंघाड़ा पहले काट लेना है। फिर उसके बाद अपना सारा मटेरियल इकट्ठा कर देना। टमाटर है, प्याज है, अदरक है, मिर्च, लहसुन, जीरा, सारा आइटम जो सब्जी में आप डालते हो। फर्क ये है बनाते कैसे हैं। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें मसाला पहले डालना पड़ता है, मसाला भूजना पड़ता है, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो मसाला बाद में डालते हैं और बाद में मसाला को भूजते हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंघाड़ा की सब्जी कैसे बनती है। सिंघाड़ा जो तालाब में होते हैं, तालाब में सिंघाड़ा काट लिए गए हैं। काटने के बाद अब पीसा जा रहा है, क्योंकि सिंघाड़ा की सब्जी हमारी नानी लोग बनाती थी। हमारी नानी 110 साल की हो गई है, 110 साल की हो गई है। ये पुराना तरीका है सिंघाड़ा की सब्जी बनाने का। एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे सिंघाड़ा की सब्जी मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी हैं। सब लोग क्या करते हैं, सिंघाड़ा को सूखी और या तरीदार रसादार जो होता है, सूप जिसको बोलते हैं, ऐसे ही नमक मिर्च डाल के बनाते हैं डायरेक्ट। लेकिन सही तरीका तो ये है, सिंघाड़ा की सब्जी अगर आपको बनानी है तो पहले उसको पीस लेना है। पीसने के बाद देखना, पूरी वीडियो आप देखना। सारा आइटम आपको काट के रख के कंप्लीट कर देना है। लहसुन, धनिया, मिर्च, जो भी आप सब्जी में डालते हो, जो भी आपका टेस्ट हो, सब्जी में जो जो आइटम डालते हो वो सारा कुछ डालना है। बस आपको ये देखना है कि सिंघाड़ा की सब्जी कैसे बनती है। देखो, हमारे पास कमेंट आया था कि मम्मी से बुलवाओ। मम्मी तो बोल नहीं सकती हैं जैसे हम बोलते हैं, तो हम आपको बोल के समझा सकते हैं, एंकरिंग हम कर सकते हैं। ये आइटम सारा कंप्लीट है। प्याज है, लहसुन है, अदरक है, मिर्च है, टमाटर है, और हरी धनिया भी हम ले आए। दाल बनने के बाद वो सब्जी बनाना मम्मी स्टार्ट करेंगी। कढ़ाई चढ़ गई है, अब इसमें पहले डाल दिया जाएगा तेल। मसाला पहले भूजा जाएगा, मसाला पहले भूजा जाएगा, पहले तड़का। इसमें डाल दिया गया है तेल, तेल थोड़ा सा गर्म होने दो। फिर उसके बाद लहसुन, धनिया, मिर्च, अदरक, सारा आइटम तैयार है। सिंघाड़ा पीसे रखे हुए हैं। अब इसमें डाला जाएगा लहसुन। लहसुन डाल दिया गया, अब इसको पकने दो। लहसुन को पकने दो, लाल पड़ना चाहिए, लाल पड़ जाएगा। जैसे आप लोग सब्जी में लहसुन डालते हो पक जाता है, लाल पड़ जाता है, वैसे ही इसको रखना है। फिर उसके बाद प्याज, ये है प्याज,
इसको भी पकने दो, ये भी लाल पड़ जाएगा। अदरक आएगा फिर उसके बाद, अदरक तीन आइटम हो गया। आहा, महक तो अच्छी आ रही है। फिर उसके बाद मिर्च, मिर्च चार आइटम हो गया। फिर उसके बाद जीरा पांच आइटम हो गया। जीरा के बाद क्या है, मिक्सर गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला इसमें सारा कुछ मिला हुआ है, मिक्स गरम मसाला दो चम्मच। हमारे यहाँ खाने वाले ज्यादा हैं तो ज्यादा आइटम लगता है, तो आपके यहाँ जितने लोग हैं वैसे ही। फिर उसके बाद हल्दी एक चम्मच, हमारे यहाँ 6-7-8 लोग। फिर उसके बाद टमाटर, टमाटर, टमाटर के बाद पीसे हुए सिंघाड़ा। पहले सिंघाड़ा आपको काट लेना है छोटा छोटा, काटने के बाद पीस लेना है, इतना मत पीसना कि वो एकदम हलवा बन जाए, भुरखुरा भुरखुरा होना चाहिए, भुरभुरा दरबर। मसाला भूनने के बाद डाल देना है सिंघाड़ा, मिक्स कर देना है, डुला देना है। ये बन गई का चाहे सकरेल कहो, चाहे सालन कहो, चाहे सब्जी कहो, चाहे करेल कहो, चाहे दाल के सालन बन थे। अच्छा, जैसे उड़द के दाल के करेल बोल थे, इटावा में रिकाउच बोल थे, इटावा में का रिकाउच बोल थे, इटावा में रिकाउच, इटावा उड़द के दाल का रिकाउच जो हम लोग करते थे, सालन बनाओ, करेल बनाओ। अच्छा, हुआ रिकाउच कहा। ये सिंघाड़ा क्या रहा है, सिंघाड़ा की सब्जी हम तो बोलेंगे, और वी वाले सिंघाड़ा नहीं डाले का खड़े, और कुछ आपको डाल देना है खड़े सिंघाड़ा, 2-4 ज्यादा नहीं, जिसे हर हर चीज का टेस्ट अलग हो। आपने आई बटन में एक वीडियो देखी होगी, जो ऊपर में आपको साइड में वीडियो दिखाई दे रही है, उसमें मैंने अपनी नानी से पूछने के लिए उससे बात किया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे क्यों? अगर वो रिकॉर्डिंग सारी आप सुनोगे तो वीडियो हमारी नहीं देखोगे फिर। तो मैंने अपनी नानी से पूछा था, नानी हमारी 110 साल की हो गई है, तो उन्होंने बताया कि सिंघाड़ा को पहले पीस लेना है, पहले काट लेना है छोटा छोटा, फिर उसके बाद पीस लेना है, फिर उसके बाद 2-4 सिंघाड़ा खड़े डाल देना है, और इसको जैसे सालन करेल रिकाउच बनाया जाता है वैसे इसको बना लेना है। बस लास्ट नमक बचा है, अब लास्ट पड़ रहा है नमक। नमक सूखी नहीं, सूखी बनाई हो का हमारे यहाँ सूखी बन रही है, सूखी हम, सूखी सूखी हम लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब सूखी सब्जी कोई भी होती है तो रोटी के साथ हमें ज्यादा अच्छी लगती है, तो हमारे यहाँ सूखी ही बन रही है इसकी सब्जी। इसमें आपको अगर गीला करना है तो पानी डाल देना है, पानी डालने के बाद धनिया और नमक की मात्रा थोड़ा सा और बढ़ा देना है, बस। अब आप खत्म, पानी डाली हो न डालो। अब धनिया देखो सूखी में, जब बहुत सारा आइटम होता है सब्जी में धनिया वनिया, तब उसकी महक और खाने का स्वाद जबरदस्त लगता है।
सूखी बनाओ बढ़िया चटपटी। अगर आपको तरीदार गीली पसंद है तो आप उसमें पानी डाल दीजिए, पानी डालने के बाद धनिया डाल देना, धनिया के बाद थोड़ा सा नमक की मात्रा बढ़ा देना तो वो सालन बन जाएगा, करेल रिकाउच। मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार, गुड बाय।